और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई पहले दिन से कि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं जो शब्द ना बन सके, ऐसा कोई भी शब्द नहीं जो अक्षर ना बन सके, ऐसी कोई वनस्पति पेड़ पौधा नहीं जो औषधि ना बन सके, और ऐसा कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं जो यथा योग्य जगह पे सम्मानित होके स्थापित ना हो सके। तो भाई वर्कर के बिना पार्टी नहीं खड़ी हो सकती, वो नींव है। तो नींव को तगड़ा करने के लिए अगर लोगों में जा रहे हैं तो प्रधान साहब ने भी कहा है और इंचार्ज साहब ने भी कहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक मिनट देखिए जब यादव साहब आए इससे पहले के प्रोग्राम थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अब मैंने बात की है, मैंने कहा कि ये प्रोग्राम पहले के फिक्स थे सब कुछ, जब आप आए हो तो, नहीं तो मुझे अगर पता होता कि ये मीटिंग है तो रैली 9 तारीख को कैसे रखते। तो मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा जाओ यार अगर पहले से फिक्स है तो 24 को पार्टी के जो फ्रेमवर्क में यादव साहब, पहले तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुई, हरीश जी थे बड़े सम्मानित थे, उन्होंने कभी बात ही नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने इतना नहीं कहा ये सब खड़े हैं यहां, बल्कि कुछ लोगों को ये फोन गए वहां नहीं जाना, भैया हम भी तो कांग्रेस के वर्कर हैं, क्या क्या आपत्ति है। तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं, इसका भी कोई गिला नहीं, समझे नहीं। लोग लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है, लोगों के पास कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर जाना और हाई कमांड को सुप्रीम मानना, ये हम सब सिपाहियों का फर्ज है, धर्म है, इसे निभाएंगे। लेकिन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। तो पंजाब के लिए आपने क्या करना है इसे बताए बिना कोई आपको कैसे वोट डालेगा। वी विल हैव टू री इन्वेंट, हमें री इन्वेंट करके अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों ने तो बदल ही दिया। जी नहीं, मेरी एक बात सुनो, मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हाईकमांड देश हित में राष्ट्र हित में, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, देश हित में देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो वो फैसला करेंगे हमें मानना है, हम उससे पूरी तरह से मानेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं, कोई और क्या समझता है भाई, विचारों का मतभेद हो सकता है और कांग्रेस अलाउ करती है विचार, और हम लोगों ने जाकर अलग अलग विचार रखे हैं राहुल जी के सामने, फैसला उनके हाथों में है, ठीक है कि नहीं। तो पहली बात तो ये आपकी बने, अगला सवाल पूछो। रैली, एक मिनट, जो मैंने कहा ना कि 24 को मैं करतारपुर भी जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो प्यार करते हैं वो कह रहे हैं करतारपुर जाना है, क्योंकि पंजाब के एजेंडे के लिए वहां जाना भी कहीं जरूरी है, ठीक है। तो एक रैली है 21, और कुछ मैंने एनजीटी में शिकायतें दे रखी, ठीक है, सरकार के खिलाफ माइनिंग की या हो, तो ये 2-3 चीजें हैं। उसके बाद मैं यादव साहब को पहले ही कह चुका हूं कि अगर अनुशासन पालेंगे तभी शासन पालेंगे ना, लेकिन अनुशासन सबके लिए है, ये तो नहीं हो सकता ना कि चंद लोगों के लिए कुछ और है और बाकी लोगों के लिए कुछ और है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब संपर्क है, देखिए जब संपर्क टूटता है ना दोस्त तो संदेह पैदा होता है, और संदेह के धरातल पे विश्वास टूटता है। अब यादव साहब का एक संपर्क है भाई, एक डोरी बंधी है संपर्क की, जहां संपर्क होगा वहां विश्वास खुद ब खुद जगेगा, और इकट्ठे होके काम करने में सबका भला है। भैया मैं तो हमेशा ही ट्वीट करता रहता हूँ, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है।